कहा कि जिलों में बड़े बड़े पदों पर ठाकुर तैनात हैं और ब्राह्मणों को लगातार अपमानित किया जा रहा है। बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं योगी जी, आपको पूरे प्रदेश में एक भी राजभर समाज का जिलाधिकारी और एसपी नहीं मिला? मौर्य समाज का जिलाधिकारी एसपी कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं मिला? आपको नाई समाज से कोई नहीं मिला? पाल समाज से कोई नहीं मिला? आपको उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम और जातियां हैं, यादव हैं, तमाम और जातियां जो हैं उनके उनकी जातियों से आपको अधिकारी लगाने लायक नहीं मिले? यहां पे वाल्मीकि समाज है, सोनकर समाज है, आपको नहीं मिले? पासी समाज है, निषाद समाज है, प्रजापति समाज है, विश्वकर्मा समाज है, कुशवाहा समाज है, कश्यप समाज है, शाक्य समाज है, लोध समाज है, नहीं मिले आपको? तो इसलिए आज जो सत्ता की भलाई खा रहे हैं इनके साथ मिलकर, उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं, आप लोग इस अन्याय के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? 40 जिला और 46 अधिकारी मैंने इसमें चिन्हित किया है, इसमें अभी थानेदार नहीं जुड़ा, इसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं जुड़ा, इसमें जिला पूर्ति अधिकारी नहीं जुड़ा, इसमें तमाम और वरिष्ठ पदों पर जो लोग जिलों में बैठे हुए हैं और शासन में बैठे हुए वो लोग नहीं जोड़े गए। और यही सच अगर मैं बोल दूं तो मैं देशद्रोही हूं? क्या यही प्रभु श्री राम का संदेश है? यही राम राज्य है? क्या यही क्षत्रिय शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का संदेश है? क्या यही भगवान गौतम बुद्ध का संदेश है? यही सिखाया आपने? अरे क्षत्रिय वो होता है जो सबको छत्र देता है, वो क्षत्रिय होता है। अपने लिए, सिर्फ अपने लिए काम करना, ये ठाकुर की परिभाषा नहीं है, छत्री की परिभाषा नहीं है। यानी संजय सिंह ने सरकार को छत्री की परिभाषा बताई है। इधर बीएस